नमस्ते, पेज नंबर 30, 8, 1, एक चार वाला दिखा समेगा, 12 का ए का 5 नंबर एमसीक्यू। 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के दोनों बीज, मतलब दोनों मूल अल्फा एवं बीटा होने से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा क्या होगा? -3/8, 2/3, -4 या 4? जैसा कि मित्रों उत्तर देख रहे हैं, -4 है, पर कैसे आया चलिए देखते हैं। यहाँ क्या बोला, दोनों मूल अल्फा बीटा होने से इसका मान क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका मान पूछा जा रहा है, इसको जरा सरल करके देखते हैं क्या निकलता है, फिर उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो यहाँ दिया है अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सरल करने पर हम पाते हैं अल्फा बीटा का लसअप पर लेंगे, गुना हो जाएगा आपस में, अल्फा अल्फा कट गया तो बी यहाँ आ जाएगा, बीटा इससे ये कट जाए तो अल्फा बचेगा। कहे तो बीटा प्लस अल्फा और अल्फा गुना बीटा, तो ये इधर कहे चाहे इधर कहे की बात हुआ, अल्फा प्लस बीटा यानी यह दो मूलों का योग। यहाँ तो दो अल्फा बीटा है क्या? देखिए दो मूल है ना अल्फा बीटा, तो हम यहाँ समझे दो मूलों का योग, दो मूलों का योग, दो मूलों का गुणनफल, समझ गए? दो मूलों का योग का सूत्र क्या है? दो मूलों का योग का सूत्र अभी तो हमने सीखा है, याद कर लीजिएगा, बा माइनस बा, और दो मूलों का गुणनफल होता है का, C/A। अब इसको हम सरल करते हैं तो क्या बनेंगे, ए और ए कट जाएगा तो -B/C आया, -B/C। अब इसका मान बिठा देते हैं, बी का मान बिठाते हैं, बी और सी का मान देखते हैं सवाल में। यहाँ पर ये था बी की जगह, आप देख रहे हैं 8 है, ये आपका ए बी सी 8 है, और सी का बदले में आपका 2 है, 8 और 2। तो चलिए मान बिठाते हैं, 8 और 2, 8 2, तो ये 2 से 8 कट जाएगा, 4 कितना आ गया मित्रों, -4, मान कितना आ गया -4, ये उत्तर हो गया आपका, उत्तर आप देख रहे हैं -4 है। तो ये आपको रफ में बनाना होता है, आप चाहे तो सीधा करके ये इसके नीचे लिख सकते हैं और आगे बढ़कर बना सकते हैं ऐसे भी, हो गया आपका। तो इसी के साथ पार्ट 1 का MCQ का तो जो सीरीज था 1 से लेकर 5 तक MCQ का पूरा हो गया। धन्यवाद।